दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि टिश्यू पेपर का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, टिश्यू के बिजनेस के लिए कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, मशीन कहाँ से खरीद सकते हैं, हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तैयार माल को कैसे बेच सकते हैं, कितना मुनाफा होगा, ये सारी जानकारी हमने इस वीडियो के जरिए आपको देने की कोशिश करी है। इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल अधूरा रह जाता है तो आप उनसे कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। दोस्तों टिश्यू पेपर आज के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली बहुत ही जरूरी चीज है। इसका उपयोग आजकल हर जगह होने लगा है, चाहे वो घर हो, रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल से ऑफिस। इसलिए इसका बिजनेस करना एक फायदे का सौदा हो सकता है। इस बिजनेस के लिए हमें ज्यादा लोगों को रखने की जरूरत भी नहीं है। हम इस बिजनेस को केवल 2 या 3 लोगों की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों आजकल बाजार में जो टिश्यू पेपर बिकता है उसका साइज 30x30 का होता है और इसको बनाने के लिए हमें एक ही मशीन की जरूरत होती है, जिसे हम टिश्यू पेपर मेकिंग मशीन कहते हैं, जिसकी मदद से हम टिश्यू पेपर बना के पैक करके बाजार में बेच सकते हैं। इस मशीन का प्राइस 4 से 6 लाख रुपए के आसपास आता है। इस बिजनेस को करने के लिए हमें 1000 वर्ग फीट की जरूरत होती है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको 6 से 7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जिसमें आप बड़े अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को चला सकते हैं। टिश्यू पेपर बनाने के लिए हमें पेपर की जरूरत होती है जो रोल के रूप में आता है, और हम टिश्यू पेपर मेकिंग मशीन की मदद से अपने साइज के हिसाब से काट लेते हैं। बाजार में इस पेपर का प्राइस अभी 50 से 75 रुपए के आसपास है। पेपर का प्राइस जीएसएम के हिसाब से भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए पेपर खरीदने से पहले इसका जीएसएम जरूर चेक कर लें। दोस्तों टिश्यू पेपर बहुत ही आसान प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। सबसे पहले पेपर रोल को रोलिंग जगह पे सेट करें। यहां से पेपर रोल का एक हिस्सा मशीन में लगाया जाएगा। अगर आपको रंगीन टिश्यू बनाना हो तो आप कलरिंग जगह पे अपने मनपसंद कलर को डाल के इससे पेपर को जोड़ सकते हैं। पेपर पे अपने ब्रांड का टैग लगाने के लिए इसी कलर पैनल में अपने रबड़ का टैग भी लगा सकते हैं। यहाँ के बाद पेपर रोल का हिस्सा इम्बोसिंग के लिए जाता है। इम्बोसिंग के लिए मशीन में इम्बोसिंग रोल लगा होता है। इम्बोसिंग से गुजरने के बाद पेपर रोल पारदर्शी हो जाता है टिश्यू पेपर के जैसा। फिर इम्बोसिंग के बाद टिश्यू पेपर फोल्डिंग सेक्शन में जाता है। इस सेक्शन में टिश्यू पेपर फोल्ड होके कटने लगता है। कटने के बाद टिश्यू पेपर पूरी तरह बन के तैयार हो जाता है। पेपर बन जाने के बाद इसके पैकिंग पे विशेष ध्यान देना होता है। आप अपने ब्रांड के तैयार डब्बे या अपने नाम से छपे प्लास्टिक के पन्नी में पैक कर सकते हैं। पैक करने के लिए 50-50 या 100-100 के पैकेट बना के कॉर्गेटेड बॉक्स में पैक करके ऑर्डर के अनुसार दे सकते हैं। टिश्यू पेपर का बिजनेस शुरू करने से पहले हमें इसका रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना चाहिए, ताकि हम भविष्य में आने वाली परेशानी से बच सकें और हमें सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ मिल सके, जैसे सब्सिडी, लोन, इंश्योरेंस इत्यादि। इसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, साथ ही साथ ट्रेड लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप शहर से हैं तो आपको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से नोटिस
सर्टिफिकेट भी लेना होता है। इसके अलावा आपको फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट का लाइसेंस लेना होगा और उद्योग विभाग में भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप अपने तैयार माल को दूसरे देश में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको IEC कोड भी लेना पड़ेगा। बाजार में टिश्यू पेपर की मांग बहुत अधिक है। हर साल टिश्यू पेपर की खपत बाजार में 12% तक बढ़ जाती है। टिश्यू पेपर इंडस्ट्री एक बड़ा रूप लेता जा रहा है और कितने सारे लोग इस बिजनेस को करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। आप अपने टिश्यू पेपर को बाजार में रिटेल या होलसेल में बेच सकते हैं। रिटेल में बेचने के लिए आप सीधे बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट या ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर ऑर्डर ले सकते हैं या फिर बड़े दुकानदारों से संपर्क कर बेच सकते हैं। या फिर रिटेल में आपको हर दुकान पे जाके सैंपल दिखा के ऑर्डर लेना होता है। डायरेक्ट रिटेल में बेचने पे आपको ज्यादा मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल या सुझाव हो तो हमसे कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई जानकारी पहुंचे सबसे पहले आपके पास।